नमस्ते दोस्तों, तो ये है कॉर्डिलिया क्रूज़ का इंटीरियर। तो उस दिन क्या हुआ था कि मेरा ऑनबोर्डिंग हो रहा था एज अ क्रू, सो आई रियली डिडंट गेट द टाइम टू रिकॉर्ड द इंटीरियर्स ऑफ द शिप। तो उस दिन शिप गोवा जा रहा था, तो गोवा जाके वापस आया, तो टुडे इज़ द थर्ड डे एंड अब शिप वापस से मुंबई पोर्ट पे डॉक्ड है। तो ये बाहर मुंबई पोर्ट बलार्ड पियर बोलते हैं ये पोर्ट एरिया को, तो यहाँ पे डॉक्ड है। आज शाम को निकलेगा यहाँ से, इट्स गोइंग टू इधर गो टू गोवा और दीव और कोची लक्षद्वीप के लिए निकलेगा। सो वी सो दैट जो एरिया अभी जहाँ से हम लोग आए थे, दैट इज़ द एट्रियम, जो मेन एरिया है वहाँ पे, जैसे रिसेप्शन एरिया एंड शोर एक्सकर्जन डेस्क, यू विल गेट इट देयर। देन वी क्रॉस्ड एंड केम टू द एक छोटा सा लाउंज टाइप सेक्शन है, चेयरमैन्स क्लब उसे कहते हैं। नाउ दिस एरिया हियर, दिस इज़ द फोटो गैलरी। सो इफ़ यू कम ऑन बोर्ड कॉर्डिलिया क्रूजेज एंड if you want beautiful pictures to be captured, this is the place to come, and they will of course click your pictures. aap jab on board aate ho to bahar port area mein plus ship mein they'll be clicking your pictures, and then if you want to purchase those pictures you have to come here. It's called Focus Photo Gallery. काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक करते हैं प्रोफेशनल्स। एंड दे हैव अ फोटो स्टूडियो जहाँ पे आप कैन क्लिक पिक्चर्स इनसाइड। तो ये जो डेक है, दिस इज़ डेक 5 से वी हैव अप टू डेक 10 तक है। स्टारलाइट, ये एक रेस्टोरेंट है स्टारलाइट नाम से। दिस इज डेक 5। नाउ वी गो अप टू डेक 6 जहाँ पे वी हैव, सो वी हैव ऑन डेक 6 वी हैव द कैसीनो, वी हैव शॉप्स जो ड्यूटी फ्री शॉप्स है, एंड वी हैव द थिएटर। थिएटर का बालकनी सेक्शन डेक 6 पे है, एंड जो बॉटम सेक्शन है वो डेक 5 से आप एक्सेस कर सकते हो। सो राइट नाउ वी आर हेडिंग, so before we head to the casino I will show you another place which is like a lounge, it's called Connections. and ye jo Connections iska jo theme hai, inhone Havana
जो क्यूबा में हवाना करके जगह है उसके ऊपर रखा है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सेटअप ऑफ लाइक लिटिल हवाना, क्यूबन सेटअप है। तो ये डेक 6 पे एक और सेक्शन है, आर्केड सेक्शन। तो सो नाउ वी आर हेडिंग टू द कसिनो, इट्स कॉल्ड कसिनो रॉयल। सो दिस इज वेयर आई वर्क इन द कसिनो ऑन बोर्ड द शिप, एंड वी हैव मेनी प्लेइंग टेबल्स, कार्ड गेम्स, वी हैव द मशीन रूलेट। तो कसिनो में इफ यू वॉन्ट टू परचेज द चिप्स टू प्ले द गेम्स, दिस इज द कैश डेस्क कैशियर। एंड इन द कसिनो ऑफकोर्स 18 एंड अबव इज ओनली अलाउड, सो एनी वन बिलो 18 इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कसिनो का ये बार सेक्शन है जो नाइट में खुलेगा विद द ड्रिंक्स वंस वी आर आउट इन द सी, एंड दीज आर ऑल्सो ऑल टेबल गेम्स, कार्ड गेम्स मोस्ट, ब्लैक जैक, let we have casino war. This is a one card game, dealer versus player, the higher card wins. Then we have more Texas poker tables down, Indian flush Texas poker, and this is the casino. It's a beautiful setup. And yes, we have two beautiful, gorgeous paintings of the casino environment. So, ये एक painting है, which shows that there are some players playing poker game. And यहाँ पे this lady has the dice in her hands, जो craps game बोलते हैं, वो dice का game उसका है ये. So, this is one of the paintings. And this is the other painting. सो रूलेट गेम यहाँ पे है एंड पीपल आर एंजॉइंग इन द कसिनो प्लेइंग। दिस शोज लाइक इन द अमेरिकन ओल्डन डेज में कैसे कसिनो में द ड्रेस कोड हुआ करता था एंड हाउ द पीपल यूज टू कम। इट वॉज फॉर द रिच एंड द ग्लैमरस, ऐसे लोग आके खेलते थे। बट राइट नाउ एज यू कैन सी वी हैव कसिनो राइट हियर इन इंडिया, वी हैव इट इन गोवा, इन सिक्किम एंड on board Cordelia Cruise as well. So anyone can enjoy, अभी कोई भी आके कैसीनो में enjoy कर सकता है। इस कैसीनो का है कि should not make it a habit, fun के लिए खेलना चाहिए, for entertainment purpose. And yeah, these are slot machines जो कैसीनो में available है। So that's the casino. After the casino, we enter the shops, the royal shops. This is duty free shops. Shop section here. Right now it's closed because it's duty free. So हमें 12 nautical miles
इन द सी जाना पड़ता है तब शॉप्स एक्चुअली ओपन होते. राइट नाउ टेम्परेरली द शॉप्स आर क्लोज्ड. शॉप्स में यू गेट ऑल काइंड ऑफ ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स, एल्कोहल, सिगरेट्स, सनग्लासेस, वॉचेस, परफ्यूम्स, चॉकलेट्स. इट्स अ नाइस सेटअप. वो हमारे इन हाउस डीजे है, डीजे क्लेटन, प्लेइंग सम नाइस नंबर्स. नाउ टुडे इज एम्बार्केशन डे, तो आज गेस्ट्स ऑन बोर्ड आ रहे फ्रॉम मुंबई. सो एवरी टर्न अराउंड यानी एम्बार्केशन डे पे वी हैव द एम्बार्केशन प्रोसेस, द सेटअप फॉर द गेस्ट. सो जो मैं कह रहा था, एट्रियम जो सेक्शन है वो यही है. दिस इज़ द मेन एरिया जहाँ गेस्ट पहले, व्हेन दे एंटर द शिप, दिस इज़ द एरिया दैट दे एंटर इन फर्स्ट. And then on deck 6 also we have entry to the Royal Theatre. यहाँ पे live performances होते, stage shows, plays, dances, magic shows, काफ़ी सारा entertainment है on board Cordelia. Right now people are rehearsing, so अभी we cannot go to the main stage section, but आपको balcony से दिखा देता हूँ कि कितना ग्रैंड है ये. तो दिस इज़ द टॉप सेक्शन एंड देन वी हैव द बॉटम सेक्शन. दैट्स द बॉटम सेक्शन द. सो वहाँ पे परफॉर्मर्स, स्टेज शो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे. दैट्स द थिएटर. दे एक्चुअली डिस्कसिंग एंड रिहर्सिंग. So it's not the right time to go there. And then on deck 6 also we have the open deck. So ये open deck है, बाहर का नज़ारा यहाँ से ले सकते हैं once the ship sails. So दोनों साइड पे ship के, ये starboard side बोलते हैं right hand side पे, and left hand side को port side बोलते हैं ship का. So these are open decks. जब शिप सेल होता है एंड सनसेट का टाइम है, इट्स ब्यूटीफुल टू सी द शिप सेल इनटू द ओशन. से लाइफ बोट्स है शिप पे काफ़ी. सो देयर इज़ नो, यानी ऐसा कोई डर लगने वाली जैसे चीज़ नहीं है, ऐसा कोई हादसा होता भी नहीं है शिप पे. इट्स वेरी रेयर कि होगा, बट वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ सर्वाइवल क्राफ्ट्स एंड बोट्स which will help during emergency. ये जो embarkation हो रहा है, so people come in from here. मैं उस दिन यहाँ से आया था, as you all know. Then we enter into the atrium, then into the ship. So ये है deck 6. अब हम चलते हैं टॉप डेक की तरफ, जो है डेक 10, एंड टॉप डेक के व्यू का नज़ारा लेते हैं.